एंड पर हर जगह पर मैक्रो और माइक्रो लेवल पे फेल हुई अपनी गवर्नेंस, और उस फेलियर का नतीजा ये है कि आज ना हमें डॉलर मिल रहा है। आज मेरे पास 2 करोड़ रुपए का एक कंटेनर $2,000 के बटनों की ना होने की वजह से पड़ा, उसका क्या करें? क्या ये समझदारी है? अगर आपके 2 कमाऊ पूत हैं तो उनका तो ख्याल कर लो। किसी घर में जो कमाऊ पूत होता है तो उसका तो सारे घर वाले ख्याल करते हैं कि ये वो बंदा है जो हमारा किचन चला रहा है। आज मैं उसी बैंक के पास जाता हूँ, $2,00,000 का डॉक्यूमेंट देता हूँ और उसको कहता हूँ कि यार ये तो आप मुझे, मेरी एक्सपोर्ट आ गई और मुझे इम्पोर्ट के लिए $2,000 की टीटी करा दें, ये मैंने बटन लेने हैं। कहते जी नहीं जाते। तो इतना सुन, जिस तरीके से ये चल रहा है, ये स्लो डेथ पॉलिसी, आहिस्ता आहिस्ता मरते जाएंगे और खबर नहीं हो। एडिबल ऑयल के इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, एडिबल ऑयल वालों से मेरी चेंबर में उनकी एक मीटिंग थी, वहां मैंने उनसे उनका डेटा लिया तो एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन सेल कम होगी, बड़ी खतरनाक सूरत हाल। अगर एडिबल ऑयल क्या जो लोअर एंड के ब्रांड्स हैं, अगर उनकी सेल कम हो गई है, इसका मतलब यह है कि गरीब आदमी एक हंडिया पे आ गया। मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मतलब गरीब आदमी एक हंडिया पर आ गया। आज आपने चिकन का रेट भी दिया, यहाँ पर महसूस होता है कि ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने कोई ना कोई फैक्ट्री का हिस्सा बंद किया। वो लेबर सड़कों पर नहीं आई और हम समझ रहे हैं सब अच्छा है, वो लेबर कहाँ गई? इसने सोचना है, जब हम बार बार बता रहे हैं और अगर इस पे क्विक एक्शन ना लिए गए तो ये स्लो डेथ की पॉलिसी बहुत कामयाब होगी और दोबारा रिकवर नहीं हो सकती।